कौन दर्शन करता है? श्रीमान जी चादरा में मुखार बिंद दिए लेटे, सूर निकल आए। अच्छा, अंदर से ही लेटे ही लेटे आवाज लगा रहे, बोले चाय बनी का है? और तब तक श्रीमती जी चाय लेके सामने पहुंची, बोले लो अब तो उठो। तो करों के दर्शन नहीं होते, कप के दर्शन होते हैं। सुबह सुबह अपने माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, करने चाहिए हर किसी को। घर में जो अपने से बड़े हैं, सुबह को उनके पैर छूने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। कौन छूता है? हमें तो जब मालूम पड़ते को होली दीपावली पे भले नंबर लग पा दो है। सम्मान करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो बदलाव बदलाव तो खैर है, हम लोग जितने ही पढ़े लिखे होते जाते उतना ही बदलाव। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पढ़ाई लिखाई मत करो, बहुत जरूरी है, लेकिन बड़ों का बुजुर्गों का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। अपने से बड़े का सम्मान करने से चार चीजें बढ़ती हैं, आय विद्या यश और बल। तो सम्मान तो करना चाहिए। देखो अपने घर के जो बड़े बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, इनके पास में जरूर बैठो, कुछ न कुछ अच्छा बताएंगे। तजुर्बा है, हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वो गुजर चुके हैं, तजुर्बा है। मैं एक बात बताऊं, स्वामी राजेश्वरानंद जी कहा करते हैं, तजुर्बा है कैसा, एक ट्रेन में एक बुड्ढे सफर कर रहे थे और उन्हीं के डिब्बे में दो नौजवान लड़के बैठे थे। अच्छा, गाड़ी जैसे ही चली थोड़ी दूर बढ़ी, एक लड़का दूसरे लड़के से बोला, बोला भाई। हाँ, बोला मैं चैन खींचूंगा। दूसरा लड़का कहने लगा, पागल है, चैन खींचेगा, पकड़ गए 500 रुपए जुर्माना लगेगा, कौन देगा? बोले कुछ भी हो जाए मैं चैन खींचूंगा। अच्छा तेरे पास कितने हैं? बोले 200। बोले 300 मेरे पास है, अगर पकड़ गए 500 रुपए दे दे, चैन खींचूंगा। अच्छा दूसरा जो लड़का था उसने बुड्ढे की तरफ देखा, बोला भाई, अरे बोला खींच दे, अभी तो तू मना कर रहा था, अरे खींच दे। बोले अगर कोई पूछेगा किसने खींची तो बता देंगे बुड्ढे ने खींची, खींच दे। अच्छा बुड्ढे उनकी बैठे बैठे बात सुन रहे थे, लड़के ने चैन खींच दी, गार्ड आ गया। जब आप ये चैन किसने खींची, अब दोनों की तो सलाह थी, बोले साहब ने बुड्ढे ने खींची है। गार्ड कहने लगा, तुमने चैन क्यों खींची? बुड्ढे ने सोचा बच्चों ने तो फंसा दिया, लगाया दिमाग। गार्ड कहने लगा, तुमने चैन क्यों खींची? बुड्ढे बोले, साहब मजबूरी में खींचनी पड़ी। मजबूरी में? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने चैन खींची? बोले साहब मजबूरी ये थी, मेरी जेब में केवल 500 रुपए थे और वो जबरदस्ती इन दोनों ने ले लिए, जबरदस्ती। अगर आपको यकीन ना हो तो 200 रुपए इसके जेब में रखे, 300 रुपए इसके जेब में रखे, वो मेरे पैसे दिलवा दो, इसलिए मैंने चैन खींची थी। लड़के बोले, बुड्ढा बड़ा चालाक निकला, पैसे भी ले लिए। तो तजुर्बा है, लेकिन करें क्या, बदलाव आता जा रहा है, बदलाव। अच्छा हर चीज में बदला, हमें तो ऐसा लगता है कि जमाना थोड़ा शॉर्ट हो गया, हम लोग शॉर्ट में चलने लगे। कहते तो ये, पहले जब पैर छुए जाते थे तो लेट जाते थे, अपना सिर रख देते थे पैरों पे, तब पैर छुए माने जाते थे। फिर सोची कहां पर सर दूसरे के पास ना, मेरा बिना मतलब में भाई हाथ छुए के माथे से लगाए उठे कछु दिना लो जय नियम चलत रहो, पर परियां छुई के छाती से लगाए उठे। अच्छा देहात में आज भी अच्छा है, आज भी अच्छा है, शहरों में देखो परियां लो पहुंच गए तो पहुंच गए ना, एक दूसरे को पेट ही छू लेता है, मैं सच बता रहा। अच्छा कच झुकत ना है
और कुछ भगवान की दुआ से ऐसे पेंट है भी झुक नहीं ना देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बदलाव है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग जो हमारे भाई लोग है ना, ये राम कृष्ण के बारे में थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं और फिल्मी एक्टरों के बारे में ज्यादा ध्यान जा रहा है। वो पर्दे पे कैसे निकल गए, कपड़े कैसे पहनने हमें पहनने, सर के बाल कैसे हमें करवाने, फिल्मी एक्टरों के बारे में ज्यादा बदलाव तो है। अच्छा, मेरे एक दिन दिमाग में आया, अगर ऐसे ही बदलता चला गया तो फिर होगा क्या? मान के चलो हम कहेंगे कुछ, उसका अर्थ कहीं जाएगा? अच्छा एक बात देखो, अंग्रेज जब अपने देश में आए तो सबसे पहले इन्होंने अपने शहरों के नाम बदल दिए, शहरों के नाम बदल दिए। ये जो अलीगढ़ है इससे पहले हरिगढ़ कहा जाता था, ये जो दिल्ली है दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। और कितना अच्छा नाम था हमारे देश का, भारत या हिंदुस्तान, क्या रख दिया? इंडिया। अंग्रेज तो चले गए, हम पीछे रहने को कहा है? हमने और तो कुछ नहीं बदल पाया, हमने अपने माता पिता के नामों को बदल दिया, नामों को बदल दिया। पहले पिताजी से जो पिताजी कहते थे, मां से मां कहते थे, मां से मदर हो गई मदर, और मदर से मम्मी हो गई मम्मी। मम्मी मालूम किसे कहते? गूगल पर सर्च करना, अपने यहां नहीं विदेशों में कुछ देश ऐसे हैं, अगर किसी कोई मर जाता है उनके परिवार में, कोई खत्म हो जाता है, तो मसाले से उसके शरीर को ढक दिया जाता है, यानी सुखा दिया जाता है, ना वो जलाते हैं ना दबनाते, ऐसा ही रखा रहता है बरसों तक, उसको मम्मी कहते हैं मरे हुए। बताइए, अब मम्मी नहीं अब मॉम हो गई। पहले जब पिताजी को जो पिताजी कहते थे, पिताजी से पापा हो गए पापा, और पापा से डैडी हो गए डैडी। अब कुछ फैशन वाले लोग हैं, उन्होंने डैडी से डैड कर दिए। मेरे दिमाग में एक दिन एक बात आई, अगर ऐसे ही बदलता चला गया, अच्छा अर्थ अलग जा रहा है, हम कह कुछ और रहे हैं, उसका भाव अर्थ अलग है, तो फिर आगे चल के होगा क्या? मान के चलो एक कल्पना है और कुछ नहीं, केवल एक कल्पना, मान के चलो हमारी माता बहने जो साड़ी पहनती हैं, और इस साड़ी का नाम साड़ी नहीं, अगर पति रख दिया गया तो साड़ी का नाम साड़ी से हटा के अगर इस साड़ी का नाम पति रख दिया गया तो हो गया उल्टा, गलत है? अगर वो कहीं दुकानदार पे मार्केट में साड़ी लेने के लिए गई तो कैसे बोली मालूम? बोले भाई साहब, हाँ बोले तीसरे नंबर वाला पति है, निकाल के दे दीजिए। दुकानदार ने साड़ी पकड़ा दी, बोले कितने पैसे हुए? 550 रुपए। पागल हो, थर्ड क्वालिटी के पति के 550? हो गया उल्टा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है, बोलो तो ये देखो हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, फिल्मी एक्टरों को देखेंगे उसी के हिसाब से बोलेंगे रहेंगे। हम सब लोग इतने शब्द गलत बोलते हैं महाराज जी। अच्छा एक शब्द हमें बड़ा बुरा लगता है, मैडम नहीं बोलना चाहिए। ये 101 रुपए